कहानी 33। एक जिमीदारा रे कहानी। एक दिन यीशु नदी अरे नेड़े था। से बहुत सारे लोगों रे बीच तीना जो शिक्षा देने लग रहा था। तिसो सुनने खातर बहुत सारे लोग आए। तीना कने बाता करने यीशु गे जगह नहीं बची। इत्ते खातर से पानिया च खड़ी के किश्ती ऊपर चढ़ी गया। से तिथी बैठी गया और लोगों जो शिक्षा सुनाई। यीशु ने तीना जो एक कहानी सुनाई। एक जमींदार फसल लगाने जो बाहर आया। जब से हाथा कने बीज फेंकने लग रहा था तो कई बीज बाटा च पड़े पर पंछी ने आए के से सारे खाई ले। दूजे बीज पत्थरा वाली जमीना च पड़े जिथी बहुत कम मट्टी थी। पत्थरा वाली जमीना च पड़े से बहुत छोड़ उगी गए पर तितेरी जड़ा मट्टिया च जाने जो तैयार नहीं थी। जब सूरज निकलिया और गर्मी हुई गी तब से पौधे मुरझाई गए। तब दूजे बीज चीटा च पड़े। तीनों बीजा ने बढ़ना शुरू किया पर चीटा ने तीनों दबाईता। इत्ते खतर चीटा च पड़ी रे बीजा में ते कोई नाज नहीं उगया। दूजे बीज बढ़िया मट्टिया च पड़े और जितने बीज दिते में ते 30 में से 60 और इथी तक 100 गुणा नाज उगया। जो कोई भी परमेश्वर रे पीछे चलना चाह से तिस बाता जो ध्यान कने सुनो जो आऊ बोलना। इत्ते कहानी जो सुन के चेले सोचा च पड़ी गए। तब यीशु ने बोलिया जे बीज परमेश्वर रा वचन आ से रस्ता एक एड़ा आदमी आ जो परमेश्वर री बात सुना पर तीते जो मानदा नहीं आ। तब शैतान तीसरे वचना जो चोरी लिया। तब शैतान तीसो वचन समझने ते दूर रखा। से पत्थर वाले जमीन एड़े आदमी री जो परमेश्वर रे वचना जो सुना और खुशी या कने तीते जो अपनाई लिया पर जब बुरा समय आवा या जब कोई और दुख आवा या जब और लोग तीसो तंग कराए तब से परमेश्वर ते दूर चली जाया। तब से परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया। से झाड़िया एड़ा आदमी आ जो परमेश्वर रे वचना जो सुना पर से बहुत सारी बाता जो सोचना शुरू कर दिया और से बहुत सारी कमाई करने री सोचा और से बहुत सारी चीजा जो पाने री कोशिश करा। कुछ समय बाद अब से परमेश्वर पर विश्वास करने जो सोच विचार करा। इत्ते खतर जो तिने परमेश्वर रे वचना ते सीख्या से परमेश्वर जो खुश करने खतर काफी नहीं आ। से कणकारी डंडिया साई आ जो कोई अनाज पैदा नहीं करी सकती पर सोनी धरती आ से आदमी आ जो परमेश्वर रा वचन सुना तीते पर विश्वास करा और बहुत सारा फल लेके आवा।